नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है बजाज फाइनेंस का, टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है वीकली, जैसे कि स्टॉक का प्राइस ईयर 2020 में यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन किया था। उसके बाद देखिए, आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड ईयर 2021 में टॉप ट्रेड किया। उसके बाद देखिए, लास्ट 3 ईयर से प्राइस इसी रेंज के अंदर यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है एंड इसी रेंज का अपर बाउंड्री को देखिए, जब भी प्राइस टेस्ट किया है प्राइस को यहाँ पे मल्टीपुल टाइम सप्लाई मिला है एंड इस चैनल का लोअर बाउंड्री से देखिए मल्टीपुल टाइम डिमांड मिला है एंड एग्जैक्टली देखिए स्टॉक का प्राइस जहाँ पे मल्टी ईयर का कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन जोन का लोअर बाउंड्री को टेस्ट किया, उसके बाद यहाँ पे बाउंस देखने को मिला है। अगर यहाँ पे अभी हम 200 वीक का सिंपल मूविंग एवरेज को ऐड कर देंगे तो एग्जैक्टली देखिए 200 वीक सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास प्राइस जैसे ही टेस्ट किया इस कंसोलिडेशन जोन का लोअर बाउंड्री से बाउंस कर रहा है एंड जिस टाइप का स्ट्रक्चर शो कर रहा है लुक्स लाइक दिस टाइम प्राइस यहाँ पे मल्टी ईयर का ब्रेकआउट आ सकता है। अगर स्टॉक का प्राइस यहाँ पे मल्टी ईयर का ब्रेकआउट कर लेता है, जो कि लेवल बन रहा है 8300 के ऊपर वीकली क्लोजिंग 8300 के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद यहाँ पे मॉनिटर का ब्रेकआउट आ जाएगा, उसी केस में जो टारगेट बनेगा उसके लिए यूज करेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन को, क्योंकि लाइफ हाई के ऊपर कोई भी सप्लाई डिमांड लेवल अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से फिबोनाची एक्सटेंशन के थ्रू में टारगेट मेजर कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा 1600 का फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल, 9650 का। सेकंड टारगेट बनेगा 2600 का फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल, 12227 का। उसी हिसाब से आपका रिस्क रिवार्ड क्वांटिटी को एंड खुद का एनालिसिस को ऐड कीजिएगा। अगर क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर रेवेन्यू देखेंगे तो देखिए रेवेन्यू यहाँ पे स्लाइडली ग्रो किया है और नेट प्रॉफिट यहाँ पे 3912 करोड़ से जंप किया है 4014 करोड़ का। तो नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू में स्लाइडली ग्रो दिखाई दे रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर जाएंगे, मेजोरिटी होल्डिंग यहाँ पे प्रोमोटर के पास 54.7%, जो कि स्ट्रॉन्ग होल्डिंग माना जाएगा। एफआई शेयर होल्डिंग को डिक्रीज किए हैं लेकिन डीआई इंक्रीज किए हैं एंड पब्लिक डिक्रीज किए हैं, जो कि पॉजिटिव साइन है। किसी भी स्टॉक में पब्लिक का शेयर होल्डिंग डिक्रीज होना उसको आप पॉजिटिवली कंसिडर कर सकते, उसी हिसाब से प्लानिंग कीजिएगा। अभी स्टॉक का प्राइस मल्टीयर का सपोर्ट से ही बाउंस कर रहा है, जो कि सबसे लोअर रिस्क जोन है। मैं आशा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।